प्रिया राजू जी, देखिए पिछले 10 साल में और 10 साल के पहले की बहुत बात होती है कि पिछले 50-60 साल में तो कुछ हुआ ही नहीं। एक बड़ा अंतर हम सब देखते हैं, वो है संवेदनहीनता का। सरकार और प्रधान, इस समय सरकार का मतलब सिर्फ प्रधानमंत्री और मोदी है, लेकिन प्रधानमंत्री ने आज तक किसी भी ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर, चाहे किसान आंदोलित हो रहे हों, चाहे महिला पहलवान आंदोलित हो, या CANRC पर देश का अल्पसंख्यक आंदोलित हो, कभी भी उन्होंने संवेदनशीलता का परिचय नहीं दिया। और ये कभी लगा ही नहीं कि नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री हैं। वो बार बार यही दिखाते हैं कि वो RSS के प्रचारक हैं, और एक तरह से प्रधानमंत्री नहीं बल्कि देश में वो तानाशाही चला रहे हैं। किसान इसके पहले भी बैठा, 13 महीने तक 750 किसानों की शहादत के बाद प्रधानमंत्री को उत्तर प्रदेश के चुनाव के पहले याद आता है कि हमारी तपस्या में कोई कमी रह गई, और उसके बाद उन्होंने वो सो कॉल्ड गारंटी की बात आजकल बहुत हो रही है, वो झूठी गारंटी दी। और आज फिर से अगर किसानों को MSP के मुद्दे पर दिल्ली की सड़कों पर जूझना पड़ रहा है, आना पड़ रहा है, तो उनके लिए क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? राजीव, आप कह सकती है देश का दुर्भाग्य है, ये लोकतंत्र के साथ मजाक है, और जनता के प्रति जो कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, वो इतिहास में दर्ज किया जाएगा। वो कीले, वो सड़कों को पाट देना और पुलिस की ऐसी इंतजाम करना कि वो ड्रोन से सीधे गोली मार रहे हैं। जो भी वो गोली चला रहे हैं, वो आंख में, पेट में, सीने पर गोली चला रहे हैं। और वो भी जो सैनिक जिसको आपने दिखाया था, जो किसान है, उसने कहा कि हमने इतने लंबे समय तक आर्मी में नौकरी की है, भीड़ को तितर बितर करने के लिए जो किया जाता है वो हम जानते हैं, लेकिन सामने से जो अटैक किया जा रहा है, इसका मतलब है कि आपको उनको तितर बितर नहीं करना है, बल्कि आपको उन्हें सीधे टॉर्चर करना है, उनको मारना है, उनको सीधे अटैक करना है। और ये दिखाता है कि इस देश में अब अघोषित आपातकाल है, आपको ये आंदोलन नहीं कर सकते। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने जो कहा कि उनका अधिकार है कि वो जाए और आंदोलन करें, आपके सामने मांग रखे हैं, और आप क्या कर रहे हैं? अबू धाबी में मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं। इस देश ने आपको प्रधानमंत्री मंदिर का उद्घाटन करने के लिए नहीं चुना था राजीव जी, इस देश ने आपको चुना था किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, सैनिकों के लिए। आप बहुत राष्ट्रवाद की बात करते हैं, लेकिन ये पुलवामा के शहीदों का भी दिवस है, उनकी स्मृति का। अभी तक क्या उसमें गुनहगारों को पकड़ा गया है और उनके साथ क्या हुआ है, किसी को नहीं मालूम कि खेल किसने किया था। और मोदी जी उसी तरह से संवेदनहीन बने हुए थे, शूटिंग करने में व्यस्त थे। तो ये जो किसान है जो आज वहां पर डटे हैं, वो शौक से नहीं आए हैं, वो पिकनिक मनाने नहीं आए, जो आप बिरयानी खाने चले जाते हैं, कभी मंदिर का उद्घाटन करने चले जाते हैं। इस देश का किसान जो अन्नदाता है, वो स्वामीनाथन की बेटी ने कहा कि आप उनके साथ अपराधियों जैसा बिहेवियर कर रहे हैं, ये बर्ताव क्या आपको माफ करेगा? और मैं तो समझता हूं कि नरेंद्र मोदी इतिहास में जिस तरह से दर्ज किए जाएंगे, ठीक वैसे ही जैसे आज जर्मनी में कोई हिटलर का नाम लेना पसंद नहीं करता है, वैसे ही आने वाले वक्त में नरेंद्र मोदी का नाम जब आएगा तो लोग क्या प्रतिक्रिया देंगे, ये तो हम लोग देखेंगे ही। लेकिन आज की जो परिस्थिति है, उसमें नरेंद्र मोदी के सामने भी और देश के सामने भी, और मोदी जी को सिर्फ चुनाव की चिंता होती है, वो अपने दोस्तों के लिए काम करते हैं। अरे भाई, किसानों की जो डिमांड है, क्या अडानी साहब ने अभी तक नहीं कहा है कि आप बात कर लीजिए? जो सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा और भी लोगों ने कहा कि अडानी की वजह से फंसे हुए हैं, अडानी के लिए प्रधानमंत्री हैं क्या वो, या इस देश के किसानों के लिए हैं? तो राजनीतिक हालात मोदी जी के मामले में कुछ भी हो, लेकिन इस देश का आम आवाम अगर आंदोलित है, परेशान है, और अगर वो सड़क पर है, तो ये दिखाता है कि लोकतंत्र में चीजें ठीक नहीं है और इसके बदलाव की जरूरत है।
और देश शायद एक उम्मीद के साथ देख रहा है उस शख्स की तरफ जो आज फोन पे बात भी करता है, जो न्याय की बात भी कर रहा है और लगातार इस देश के परेशान लोगों के साथ उनके न्याय के लिए संकल्पबद्ध होकर के खड़ा हुआ है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल संकल्पबद्ध होकर खड़ा है। इस बीच तमाम किसान नेताओं के देखिए राजीव जी, मैं अभी एक खबर देख रहा था जी, अबू धाबी से नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं कि दुनिया को ऐसी सरकारों की जरूरत है जो सबको साथ लेकर के चले। अब एक कहावत है ना कि 72 छेद वाली, वो मोदी जी बोल रहे हैं जो इस देश में होने वाले किसानों के आंदोलन पर खामोश। और अभी सिर्फ यही आंदोलन नहीं चल रहा है राजीव जी, वो अर्धसैनिकों का भी आंदोलन चल रहा है ओपीएस पर, लेकिन ये आंदोलन नहीं दिखाए जा रहे। अन्ना का आंदोलन इससे बड़ा था क्या? लेकिन वो पूरे मीडिया पर छाया हुआ था, मतलब इसके सामने वो पिद्दी सा आंदोलन। और इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई सरकार कितनी डेमोक्रेटिक है। इस समय पूरी मीडिया में केवल किसानों के उसका नकारात्मक केवल चित्र दिखाना है आपको, लेकिन वो बातें नहीं। ये आंदोलन मोदी जी के लिए अब एक तरह से आप कहिए कि बहुत बड़ा अवरोध बन गया है उनकी चुनावी राजनीति के लिए। मोदी जी की हालत पतली है इस वक्त, वो भले ही कुछ भी कहते रहे। और इस आंदोलन ने अभी एक और खबर आ रही है कि राहुल गांधी अपनी न्याय यात्रा को अब ट्रैक्टर पर निकालने वाले। अब आप लोग ज्यादा इस खबर की पुष्टि कर पाएंगे, राहुल गांधी ट्रैक्टर पर न्याय यात्रा से अब आगे बढ़ेंगे। इसका मतलब है कि अगर वो दिल्ली में शामिल नहीं भी होते हैं और अपनी यात्रा को अनवरत करते हैं तो ट्रैक्टर के जरिए वो पूरी मैसेजिंग करेंगे। और राजनीति में हमेशा मैसेजिंग की महत्ता होती है, वो बात अलग है कि ये मीडिया उस नहीं दिखाएगा। लेकिन राहुल गांधी जिस तरह से डट करके खड़े हुए हैं इस आंदोलन के समर्थन में, किसान जिस तरह से मोर्चा ले रहे हैं, अर्धसैनिक बल ओपीएस की मांग को लेकर के जिस तरह से डटे हुए, और इस देश में नौजवान जिस तरह से सड़कों पर रहा है, वो ये दिखाता है कि नरेंद्र मोदी के लिए ये चुनाव बेहद बेहद मुश्किल हो गया है। मीडिया में भले ही कुछ भी दिखाया जा रहा, और यही वजह है कि वो अबू धाबी तक पहुंच जाते हैं मंदिर का उद्घाटन करने। अब उनके लिए मंदिर ही एकमात्र सहारा बचा हुआ है। अरे भाई, मंदिर की जगह पर अगर आप इन किसानों से बात कर लेते तो शायद ये आपकी बड़ी पूजा होती, बड़ी इबादत होती। क्योंकि मोदी जी तो विवेकानंद को मानते हैं जी, उनका आरएसएस और विद्यार्थी परिषद सब विवेकानंद को मानते हैं। विवेकानंद के लिए तो इंसान ही भगवान है, किसान तो अन्नदाता है जो लोगों का पेट भरता है। लेकिन वो किसानों से बात नहीं करना चाहते, उनके लिए ड्रोन है, उनके लिए कीले हैं, सड़कें अवरुद्ध हैं और उन पर पुलिस की गोलियां हैं। जिस देश में ये हो रहा हो और उस देश का प्रधानमंत्री दूसरे देश में जाकर के ये उपदेश दे कि ऐसी सरकारें दुनिया को चाहिए जो सबको लेकर के चले, उससे बड़ा मजाक मैं समझता हूं कि नहीं हो सकता। आने वाले वक्त में ये बड़ी चुनौती बनेगी राजीव जी, और जो सामने दिख रहा है ये और ज्यादा व्यापक होगा। और मैं फिर उस खबर की तरफ, शकील जी बैठे हैं वो पुष्ट करेंगे कि राहुल गांधी अब ट्रैक्टर से न्याय यात्रा आगे की करेंगे, कुछ समय के लिए ही सही, और वो यात्रा किसानों की और दूसरे क्षेत्रों से अगर जुड़ करके व्यापक हो गई तो फिर जहां पर वो बैठे हैं कि 80 सीटें हम उत्तर प्रदेश में जीतेंगे, और यहां पे भी वो अगर यात्रा उस तरह से निकलती है और समर्थन मिलता है तो फिर मोदी के लिए और भी ज्यादा मुसीबत साबित हो सकता है ये चुनाव। जी बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। जरा आज